क्या राजीव प्रताप रूडी जदयू के टिकट पर महाराजगंज आ रहे हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस मुलाकात से कई सवालों के जवाब मिल गए तो वहीं कितने सवाल सामने खड़े हो गए। इस गुटरगू से यह साफ हो गया कि राजीव प्रताप का टिकट कट सकता है, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि राजीव प्रताप अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी मंत्री रहे थे, वहीं मोदी सरकार में 4 साल तक मंत्री पद संभाला। इससे यह साफ हो जाता है कि राजीव प्रताप रूडी का राजनीतिक कद काफी ऊंचा है। इन सभी बातों को देखते हुए राजीव कहीं से भी अपना गोटी सेट करने की फिराक में है। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक के चाणक्य और जदयू नेता पीके से मुलाकात की। देखिए, सारण और सिवान में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। अगर उनको छपरा से टिकट नहीं मिला तो वो महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राजीव राजपूत जाति से आते हैं और राजपूतों की संख्या महाराजगंज में बहुत अधिक है। गौरतलब हो कि अमित शाह और नीतीश कुमार ने 50-50 फॉर्मूले का ऐलान किया था, जिससे यह भी साफ हो जाता है कि छपरा और महाराजगंज में से कोई एक जदयू के पाले में जाएगा। वहीं भाजपा से पहले महाराजगंज से जदयू चुनाव लड़ती थी, इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जदयू महाराजगंज से लड़ेगी। उधर खबर यह भी है कि महाराजगंज के भाजपा सांसद श्रीवाल को छपरा सीट से उतारा जाएगा, महाराजगंज जदयू को दे दिया गया है। इन्हीं दो बातों सवाल उठता है, फिर राजीव प्रताप रूडी किधर, यह सवाल उनके भी मन में है और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं राजीव। अब महाराजगंज में देखा जाए तो राजद का उम्मीदवार लगभग कंफर्म है, लेकिन जदयू को अभी भी उम्मीदवार की तलाश है, जिसको देखते हुए राजीव प्रताप रूडी का मन बेचैन है। छपरा नहीं तो अब महाराजगंज ही सही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर